हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का ममता मिश्रा कुकिंग चैनल पे सुस्वागतम। बहुत सारा प्यार भरा वेलकम। बहुत से लोगों को करेला खाना बिल्कुल पसंद नहीं होता क्योंकि करेला बहुत कड़वा होता है, पर मैं जिस तरह से भरवा करेला बनाने वाली हूँ बिल्कुल यूपी वाले स्टाइल में, उसमें करेला आपको कड़वा नहीं बेहद स्वादिष्ट और यमी लगेगा। रोज से भी ज्यादा रोटियां इसके साथ चट कर जाएंगे मिनटों में। तो चलिए इस शानदार रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं बिल्कुल हमारे तरीके से। सबसे पहले कलौंजी बनाने से स्टार्ट करने के पहले उसके मसाले बना लेते हैं। तो ये आम है, एक मैंने छोटे साइज के आम को बारीक चॉप करके लिया है, और ये जीरा है जो मैंने आधा चम्मच लिया है, सौ पर एक चम्मच या डेढ़ चम्मच के करीब लिया है। ये सरसों के दाने हैं, ये भी मैंने एक चम्मच लिया है, और ये धनिया है जो कि मैं दो चम्मच ले रही हूँ। आम के टुकड़े को छोड़ करके बाकी दिखाए हुए सारे मसाले को मैं मिक्सी के जार में डाल देती हूँ और इसे ग्राइंड कर लूंगी सूखा ही। और ये देखिए, ग्राइंड करके एकदम पाउडरी फॉर्म में हमारा ये मसाला बन करके रेडी हो गया। मैं पास से भी आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही बढ़िया है। थोड़ा सा दरदरा रहता है, बिल्कुल ऐसा ही हमें चाहिए, एकदम बारीक नहीं चाहिए। ये देखिए, मैं पास से भी दिखा रही हूँ। ये मसाला बन गया तो हम जार को खाली करेंगे। वापस से इसमें आम डाल दिया है, जो हमने दिखाया वही आम, बिल्कुल पानी मत डालिएगा। और इसे भी ग्राइंड कर लीजिए। इसका हम पेस्ट बना करके रेडी किए हैं। ये देखिए, मैं पास से दिखा रही हूँ, एकदम स्मूथ सा पेस्ट बन करके रेडी हुआ है। इसे भी हम निकाल लेते हैं। और अब हम आपको कुछ और मसाले दिखा रहे हैं, जिसमें दो मीडियम साइज के प्याज लिए हुए हैं, 10 से 12 मैंने लहसुन की कलियां लिए हैं जो बहुत छोटी छोटी हैं, दो टुकड़ों में कर लिया इसलिए ज्यादा दिख रही है। और साथ ही हम दो मीडियम साइज के टमाटर को बारीक चॉप करके, बहुत बारीक भी नहीं, थोड़ा मोटा भी रहेगा चलेगा। इन सारी चीजों को हम मिक्सी के जार में डालते हैं, बड़े वाले जार में, और इसको भी पीस लेंगे। बिल्कुल पानी मत डालिएगा, प्याज खुद ही पानी छोड़ता है। अब ये देखिए, पीस करके पेस्ट रेडी हो गया। इसे मैंने एक बाउल में निकाल लिया, छोटे से बाउल में। और अब हम करेला लेते हैं। तो मैंने करेला लिया है 400 ग्राम के करीब। करेला, आम, ये सब मेरे किचन गार्डन का है, इसीलिए बिल्कुल ताजे और एकदम फ्रेश है। और ये अब हम करेले को, एक एक करेले को ले रहे हैं और इसके बीच में कट्स लगा दे रहे हैं, ऊपर से नीचे तक। और फिर इसके अंदर के जो सीड्स वगैरह हैं या जो भी है, वो पल्प वगैरह सब हम निकाल करके हटा देंगे और एकदम खाली सा एक करेला हम तैयार कर लेंगे। एक और काम जो मैं भूल गई थी, करेले को पील करना। तो मैं अभी करेला कट होने के बाद पील कर रही हूँ, लेकिन ये काम आप पहले कर लीजिएगा, पहले पील कर लीजिएगा और उसके बाद आप करेले को खाली कीजिएगा। ये सारे करेले मैंने छिल करके, पील करके और बीचों बीच कट लगा करके रेडी कर लिया। ये देखिए, मैं पास से भी दिखा रही हूँ। और इसमें से जो सीड्स बचे हुए हैं ना, वो सारे सीड्स हमने निकाल लिया है। ये भी बहुत, देखिए, बहुत हाथ से दबाने से ही दब जा रहा है, इतना सॉफ्ट है। तो अगर आपका सीड्स बहुत सॉफ्ट है तो इसे भी आप यूज कर लीजिएगा करेले के कलौंजी बनाने के लिए। कैसे यूज करना है ये मैं भी थोड़ी देर में आपको बताती हूँ। तो ये रहा सीड, हमने ले लिया है मिक्सी के जार में और इसे हल्का ग्राइंड कर देंगे। बहुत ज्यादा ग्राइंड मत कीजिएगा, बस हल्का सा। ये देखिए, ग्राइंड होकर के हो गया है। इसमें मैंने पानी बिल्कुल भी यूज नहीं किया है और ये थोड़ा सा दरदरा सा है, इसे एक साइड में रखते हैं। और अब जो हमने करेले को छिल करके रखा था ना, उसमें आधा चम्मच हल्दी और थोड़ा सा नमक, यानी आधा चम्मच ही नमक भी, दोनों को इस तरह से बाउल में मिक्स कर लीजिए। और इसके बाद आप इसमें से थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए सारे करेले के ऊपर, हल्दी और नमक को। हल्दी और नमक को डालते ही इसका जितना भी कड़वापन है निकल जाता है और एकदम से बढ़िया स्वाद हो जाता है करेले का। और इस तरह से हाथों से थोड़ा सा उछाल उछाल करके आप मिक्स कर लीजिएगा। चारों तरफ से अच्छी तरह से हल्दी और नमक का कोटिंग लग जाना चाहिए। अंदर भी मैं थोड़ा सा डाल दे रही हूँ, जिससे अंदर में भी अगर कड़वापन है तो वो भी अच्छी तरह से निकल जाएगा। वैसे तो मेरा करेला बिल्कुल ताजा है, फ्रेश है और बहुत ही सॉफ्ट है, तो इतना ज्यादा इसमें कड़वापन नहीं है। लेकिन फिर भी आप अगर मार्केट से ला रहे हैं तो इस तरह से जरूर कीजिएगा। और अब देखिए, इसे हम ढक देंगे थोड़ी देर के लिए, जिससे ज्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट के लिए ढक देंगे, जिससे कि करेले को अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और पानी छोड़ दे। जब तक करेला सेट होता है, चलिए हम मसाला बना लेते हैं। तो पैन में मैंने दो चम्मच के करीब ले लिया है सरसों का तेल और इसमें मैं पचफोरन डाल रही हूँ। तो आधा चम्मच के करीब मैंने पचफोरन डाला है। अगर आप पचफोरन नहीं डालना चाहते तो जीरे का भी तड़का लगा सकते हैं। और अब हमने डाल दिया है इसमें जो टमाटर, प्याज और लहसुन को पीस करके रेडी किया था ना, वो पेस्ट हम इसमें डाल देते हैं। जब मैंने ये पेस्ट बनाया था तब मैंने हरी मिर्च का बिल्कुल यूज नहीं किया था, क्योंकि करेले में हरी मिर्च लगता ही नहीं है।
तो आप मत डालिएगा और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और फिर हम इसमें हल्दी डाल देते हैं, तो आधा टेबल स्पून मैंने हल्दी डाल दिया है और साथ ही नमक डाल देते हैं, नमक से बहुत जल्दी पक जाएगा, तो मैंने आधा चम्मच के करीब नमक भी डाल दिया। और ये जो मसाला हमने बना करके रेडी किया था ना, धनिया सौंफ जीरा और सरसों का, उस मसाले को भी हम डाल देंगे। फ्लेम को बीच बीच में तेज करते रहिएगा और थोड़ा जब ज्यादा जलने लगे फटाफट इसे स्लो करके अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। इसे लगातार चलाते हुए हमें पकाना है जिससे कि अच्छी तरह से ये पानी इसमें जितने भी हैं सब सूख जाए और एकदम ड्राई मसाला हमें मिल जाए, तो लगातार चलाते रहिएगा। इसी बीच में मैं ये जो मैंने पीस करके रेडी किया था ना करेले के सीड्स को, वो भी मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। फिर वापस से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ, 2 से 3 मिनट तक इसे और चलाऊंगी और इसके बाद इसमें डाल देती हूँ मैं गरम मसाला, जो कि मसाले डालते वक्त मैंने नहीं डाला था, तो आधा टेबल स्पून के करीब गरम मसाला इस वक्त डाल दीजिएगा। इसे चलाते हुए कम से कम 10 से 15 मिनट हो तक आपको पकाना है। 10 से 15 मिनट में मसाले अच्छी तरह से पक जाएंगे। ये मैंने आम के पेस्ट जो बना करके रेडी किया था वो डाल रही हूँ। ये तब डालिएगा जब लगने लगे कि हाँ मसाला अब काफी पक चुका है। इसे डालने के बाद 10 मिनट तक और पकाइए। अगर आपको हमारा चैनल हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं या फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए और पास के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मसाले को पकते हुए 10 मिनट से भी ज्यादा का टाइम हो चुका है, ये एक जगह इकट्ठा भी हो रहा है और ये देखिए किनारे पे बहुत सारे मसाले लग भी रहे हैं। तो मसाला अब रेडी है, इसे इस तरह से प्लेट में निकाल लिया है मैंने, थोड़ी देर ठंडा भी कर लिया है। अब इसमें से हम छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। बॉल्स बना भी सकते हैं, नहीं तो आप अपने अंदाज से भी इसको डाल सकते हैं करेले के अंदर डायरेक्ट। चलिए करेला चेक करते हैं। करेले को भी 10 मिनट से ऊपर हो गया है टाइम रखे हुए, तो ये देखिए बहुत सारा पानी रिलीज कर चुका है करेला। तो एक एक करेले को लीजिए, हल्का सा निचोड़िएगा, बहुत ज्यादा मत निचोड़िएगा नहीं तो कटा हुआ है टूट जाएगा। और इस तरह से सारे करेले मैंने निचोड़ लिया है और ये पानी जो है ये हटा देंगे हम। अब इन करेलों को अच्छी तरह से हम पोंछ भी लेते हैं जिससे बिल्कुल ड्राई रहे, जिससे मसाले गीले ना हो। और इसे अच्छी तरह से कॉटन के कपड़े से ही पोंछिएगा, बहुत ज्यादा दबाइएगा मत, हल्का हल्का प्रेस करते हुए। देखिए मैंने सारे के सारे पोंछ करके अब रेडी कर लिया है। ये रहा सारे करेले हमारे। अब चलिए इसमें स्टफिंग को भर लेते हैं। अंदर भी मैंने अच्छी तरह से पोंछ लिया था इसलिए देखिए ड्राई है। अब मसाले लीजिए और इसके अंदर डालिए, आप अंदाज करके ही डालिएगा, बस एक नींबू से थोड़ा सा ज्यादा मसाला इसमें पड़ेगा। इस तरह से मसाला डाल दीजिए उसके अंदर में अच्छी तरह से, बहुत ज्यादा भी मसाला मत डालिएगा नहीं तो बाद में ये फट के बाहर निकल जाएगा। मैं आपको बताऊंगी कि ये फटे नहीं उसके लिए क्या करना पड़ता है। एक कलौंजी रेडी हो चुका है, ऐसे ही बाकी का रेडी कर लेते हैं फिर सेलो फ्राई करते हैं। करेले में स्टफिंग अच्छी तरह से भर चुका है तो चलिए उसे सेक लेते हैं। तो सेकने के लिए एक पैन लिया है, उसमें 2 चम्मच मैंने सरसों का तेल लिया है, उसे अच्छी तरह से पूरे पैन में मैंने फैला दिया है। अब एक एक करके हम करेलों को इसमें रखेंगे, प्लेस करेंगे, लेकिन प्लेस करते वक्त ध्यान रखिएगा ये जो फटा हुआ हिस्सा है ना वो नीचे की तरह देखिए बिल्कुल इस तरह से रखिएगा। इस तरह से रखने से क्या होता है, मुंह जो रहता है करेले का सील हो जाता है। ये बाकी के करेले जो मैंने भर करके रेडी किया है वो सारे करेले हैं। सारे करेले को एक एक करके हम इसमें प्लेस करेंगे और ठीक उसी तरह से जैसे मैंने पहले बताया नीचे के साइड में फटा हुआ मुंह रखेंगे। अब देखिए इसको अच्छी तरह से सारे करेले हमने प्लेस कर दिए, फ्लेम को लो कर दीजिए और इसे ढक करके 2 मिनट पकने दीजिए। 2 मिनट हो चुका है तो करेले को चेक कर लेते हैं, साइड भी चेंज कर लेते हैं। 2-2 मिनट पे हम साइड चेंज करने वाले हैं तो इसके लिए पहली बार में हम साइड चेंज कर रहे हैं। ये देखिए जो फटा हुआ एरिया था वो अच्छी तरह से सील हो चुका है मसाले और तेल के वजह से। तो अब हम सारे करेले को पलट लिए हैं और इसको वापस से ढक करके 2 मिनट नीचे के साइड में पकने देंगे। अब ये स्टफिंग बाहर नहीं निकलेगा, अच्छी तरह से सील हो चुका है। और इसी तरह से अलट पलट करके करेले को अच्छी तरह से चारों तरफ से मैंने सेक लिया है। अब एक चक्कू लेकर के हल्का सा इसमें डाल करके देखेंगे। ये देखिए बहुत इजीली जा रहा है करेले के अंदर, मतलब सारे करेले अच्छी तरह से पक चुके हैं। तो अब इन सारे करेले को हम निकाल भी सकते हैं प्लेट में और मैं क्या करूंगी इसी में फ्लेम को ऑफ करके करेले को इसी में रहने दूंगी, बस 2 मिनट तक और रहने दूंगी जिससे कि जो भी कसर रह जाएगा वो समाप्त हो जाएगा और करेले अच्छी तरह से पक जाएंगे। एक करेले को उठा करके मैं करीब से दिखा रही हूँ, देखिए कितनी अच्छी तरह से पका हुआ है और मसाले भी बहुत तरह से दिख रहे हैं। करेले की कलौंजी बन करके रेडी हो चुका है। वीडियो को यहीं बंद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।